आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। अनलॉक 1 में क्या क्या सहूलियत आम जनता को दी जाएगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने आगरा के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनके साथ केंद्र सरकार से प्राप्त हुई गाइडलाइंस साझा की और उनके सुझाव भी पूछे गए। सर्किटहाउस सभागार में हुई इस बैठक में आगरा के सांसद, विधायक और महापौर समेत सभी जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस बैठक में 1 जून से दी जाने वाली सहूलियत पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आगरा महानगर को कोरोना फ्री कैसे रखा जाए, इसके लिए किस तरह की रणनीति तैयार की जाए, इस पर भी करीब 2 घंटे तक विचार मंथन हुआ। सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानें और शोरूम खोलने की बात कही। इसके साथ ही सिटी ट्रांसपोर्ट को कैसे सुचारू किया जाए, इस पर भी विचार मंथन हुआ। महानगर में कुछ चीजें प्रतिबंधित रखी जाएंगी। सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना के काल में भी मार पड़ रही है तो गरीब पे, मजदूर पे, किसान पे, गांव में रहने वाले आदमी से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अभी जो तूफान आया परसों उसके कारण भी पूरी बर्बादी आगरा जनपद में हुई है। तो इसलिए अब उनको और दबाव उन पर न बने, उनका दूध आ रहा है तो वो भी शहर में आ जाए, उनकी सब्जी फिक रही है वो न फिके, वो भी शहर के अंदर आ जाए, और जो अभी भीषण गर्मी पड़ रही है तो पानी की भी समस्या का समाधान रिवोर होने हैं, नए हैंडपंप लगने हैं या आपकी टंकियाँ लगनी हैं या पानी की लाइनें टूटी फूटी पड़ी हैं उनको ठीक करना है, ये सब युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा, ये भी तय बातचीत हुई है इस बारे में भी। आने वाला समय आगरा के लोगों के लिए ठीक बना रहे, लोगों को इतना समझ लेना चाहिए 22 मार्च 2020 से पहले की ज़िंदगी जीने का जो तरीका था उसमें और 22 मार्च 2020 के बाद की ज़िंदगी जीने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम सब लोगों को अनुशासन में रहकर पालन चलना पड़ेगा। साथ में एक निवेदन जरूर कि संकट की घड़ी आज भी है, ईश्वर करे वो संकट की घड़ी हमारी समाप्त हो, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी का हम सब लोग ध्यान रखें, आगे पीछे वाले का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कोरोना को हम हराने में सफल होंगे, भारत को हम निश्चित रूप से इसमें विजयी बनाने में सफल होंगे। उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे, मार्केट्स खुलेंगे, कुछ संस्थान और कार्यालय खुलेंगे उनको, लेकिन सबका मूल मंत्र यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए काम हो। इस तरह जो मार्केट खोलने का विषय आ रहा है कि एक साइड का मार्केट खोला जाए, दूसरे साइड का अल्टरनेट ड्रेस पर खोला जाए, जिससे कि वाहन रखने में और परचेज़र को परचेज़ करने में आसानी रहे। और जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर अभी जो नियम, जो नीति बनाई है, वो 55 साल से ऊपर के या बीमार इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बाकी लोग आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। भारत सरकार से एक गाइडलाइन आई है और राज्य सरकार से भी आई है, उसकी समीक्षा हो रही है। और आगरा को ख़ास तौर से, क्योंकि हम पॉजिटिव में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कुछ गाइडलाइन बनी है। जिलाधिकारी प्रेस ब्रीफ करेंगे कि क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, कितने समय खुलेगा, कब तक खुलेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खुलेंगी। जैसे कुछ चीज़ों के बारे में हम पूरे विधायक और एमपी सहमत थे, यद्यपि हमारी जनता है, फिर भी कुछ ऐसे आइटम हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जिलाधिकारी बताएंगे, उस पर हम लोग सहमत हैं कि वो बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो जिलाधिकारी प्रेस नोट में डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। जिलाधिकारी और SSP महोदय दोनों के साथ में सभी जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई है, और जो पिछले लॉकडाउन की समीक्षा हुई और आगे क्या करना है, बाज़ारों को कैसे खोलना है और किन किन को अलाउ करना है। जैसे मान लो दूध भी अभी देहात से शहर में नहीं आ पा रहा है, सब्जी की मंडियां नहीं लग पा रही हैं, सब्जी ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही है, कौन कौन से दुकानों को खोलना है, कब कब खोलना है, उनका समय अवधि क्या रहेगी, पार्कों को सुबह खोलना है, शाम को खोलना है, उसका समय क्या रहेगा, और इस प्रकार के अनेक चीज़ों के अनेक विषयों पर चर्चा हुई है और काफ़ी कुछ विषय सबके विचार विमर्श हुआ है। और जिलाधिकारी महोदय को जो विचार हम लोगों के आए हैं उन्होंने सबको नोट किया है, और कोई भी अच्छा निर्णय वह करेंगे, हमने उनको अधिकृत किया है, आप जो निर्णय करेंगे वो जनहित में ही होगा और आम पब्लिक के हित में होगा। 8 जून से ये अनलॉक फेज 1 शुरू होने वाला है, तो इसमें अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चूँकि शासन ने किस ज़िले के अंदर किस में छूट मिलनी चाहिए और कितनी छूट मिलनी चाहिए, ये स्थानीय जिला प्रशासन को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। इसी की तहत आज यहाँ पे सर्किट हाउस हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में जो DM SSP बैठे थे और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। बहुत सारे विषय हैं जो
और उसमें हम सब लोगों ने राय भी दी है, उन्होंने भी सरकार का जो पक्ष था वो भी रखा है और हम लोगों के भी उन्होंने विचार लिए हैं। जय तो मुझे लगता है कि कल से जनता को सहूलियत भी मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बाजारों के बारे में उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहे इसकी भी चर्चा हुई है, अन्य जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में भी चर्चा हुई है, अन्य जो विषय हैं उनके सबके बारे में चर्चा हुई है। पर मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है जनता से कि ये सब कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं, अपने लिए, अपनों के लिए हैं, समाज के लिए हैं, तो प्रशासन का और शासन का हम लोग सहयोग करें और आगरा को एक कोरोना मुक्त बनाने का हम लोग प्रयास करें। जिलाधिकारी और SSP ने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए हैं। NDMA की गाइडलाइन जिला प्रशासन को प्राप्त हो गई है, राज्य सरकार से गाइडलाइन प्राप्त होने का इंतजार है, लेकिन जिला प्रशासन 1 जून से आगरा महानगर में सहूलियत देने की कार्य योजना तैयार कर चुका है जो संभवतः देर रात या सोमवार तक जारी कर दी जाएगी। MHA की गाइडलाइंस आ गई है, उसके बेसिस पे अभी हम लोग जो उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस है उसका इंतजार कर रहे हैं। बट चूंकि ये पता था कि 1 जून से डिफरेंट स्ट्रेटजी रहेगी और जनपद वासियों को इस कोविड के साथ रहना सीखना होगा, उसके क्रम में कल हम लोग व्यापारी वर्ग से मिले थे, आज जो हमारे यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि उनसे वार्ता हुई सबसे, और जो एक हम लोगों ने पॉलिसी लेके चल रहे थे उसमें एक सबका क्या है, क्या चाहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या कार्य किया और आगे चुनौती क्या है उसके संबंध में डिस्कस किया गया। कुछ जो ऐसे केसेस हैं जहां हमें लगता है कि साहब इस केस में इस चीज़ों से हमारा केस बढ़ सकता है, उसको थोड़ा सा अभी हम लोग कुछ उसको कम करेंगे और जो एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या होगी आज देर रात तक हम जारी करने की कोशिश करेंगे। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। पूरे देश को 3 चरणों में अनलॉक किया जाएगा। पहले चरण में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास सिस्टम को खत्म किया गया है। इसके साथ ही बाजार खोलने पर भी सहमति दी गई है। सिटी ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा। फल, दूध और सब्जियां महानगर तक किसान लेकर पहुंचे, इसकी भी रणनीति तैयार की गई है। अनलॉक 1 की शुरुआत 1 जून से होनी है। 3 फेज में लॉकडाउन हटना है। जिला प्रशासन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। उसके साथ जो जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई है, इस बैठक में तय किया गया है कि आगरा में क्या सहूलियत दिया जाएंगी और क्या नहीं, लेकिन ये निश्चित तौर पर शामिल है कि 1 जून से आगरा में तमाम सहूलियतें होंगी। सर्किट हाउस में चर्चा हुई, उस चर्चा में सिटी ट्रांसपोर्ट पर भी ये चर्चा हुई कि ऑटो रिक्शा को अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। सभी जनप्रतिनिधियों का मत था कि ऑटो रिक्शा को अनुमति दी जाए जिससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो। जिला प्रशासन देर रात तक सभी गाइडलाइंस जारी कर देगा। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइंस हैं उनके आने का इंतजार है, उसके बाद जिला प्रशासन जो तय करेगा उसके हिसाब से आगरा महानगर में जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। लेकिन इतना तय है कि लेफ्ट राइट साइड में मार्केट खोलने की तैयारी कर ली गई है। सप्ताह में 6 दिन मार्केट खुलेगा, 1 दिन साप्ताहिक बंदी का दिन होगा। इसके साथ ही जो पटरी व्यवसायी हैं, फड़ वाले हैं, उनके लिए 1 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा स्थान चिन्हित किया जाएगा जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बैठ सकें और अपना व्यवसाय कर सकें। यानी हर तरह के व्यवसाय के लिए काम करने की इजाज़त होगी। लॉकडाउन 4 तक तकरीबन 70 दिन तक आगरा में सब कुछ बंद रहा है। अब 1 जून से आम जनता सहूलियत के इंतज़ार में है। व्यापारियों ने दुकानें खोलने की तैयारी कर ली हैं, बस इंतजार है तो जिला प्रशासन की गाइडलाइंस का, जो संभवतः सोमवार तक सारी गाइडलाइंस जारी हो जाएगी और आगरा में जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। सर्किट हाउस से अपने साथी रामेश्वर के साथ विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।